नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मैं आपके साथ विनोद कुमार। शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन एवं शेरघाटी DSP प्रबंध भारती ने लगातार सूचना मिलने के आधार पर मोरहर नदी में छापेमारी कर 23 ट्रैक्टर एवं 2 पोपलैन एवं 7 ट्रक को जब्त किया है। शेरघाटी के BT बीघा, बालूघाट एवं बांकी बाजार प्रखंड के धमनिया बालूघाट पर अवैध बालू का निकासी किया जा रहा था। इस छापेमारी में खनन विभाग के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। सवेरे सूचना मिली और पहले भी जानकारी मिल रही थी कि इलीगल माइनिंग हो रही है, क्योंकि अगल बगल के घाटे जो हैं सो ऑलरेडी सरकार के लिए टेंडर में है, और बीच के जो एरिया पड़ जाता है उस एरिया वो टेंडर में नहीं है, फिर भी उस लोग इलीगल माइनिंग करता है। तो बराबर सूचनाएं मिल रही थी, गांव वाले विरोध कर रहे थे, गांव वालों की सूचना आ रहा था। तो आज पुनः सुबह हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने रेड किया है। तो अभी जो हमें मिली है यहाँ पे करीब 23 ट्रैक्टर है, 2 JCB है और 7 ट्रक है, जो हम लोगों के हिसाब से इलीगल एरिया में पड़ता है। अभी हम लोगों ने माइंस वाले को बुलाए हैं, फिर उसके बाद पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो पाएगा कि क्या है, कहाँ का, किस कौन सा पार्ट पड़ता है, क्योंकि जो धमनिया के एरिया है ऑलरेडी उधर खनन हो रही है, वो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है और रोशनगंज भी करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे, ये बीच का एरिया है। आसपास कई घाट हैं सर, क्या और उन पर भी कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल होगी, जो भी इलीगल काम कर रहा होगा, इलीगल माइनिंग कर रहा होगा, निश्चित रूप से होगा और अभियान चल रही है, निश्चित रूप से सब पे कार्रवाई होगी, इलीगल माइनिंग। और अगर कहीं लीगल घाट भी है वो भी जो गवर्नमेंट का निर्धारित दायरा है उसके दायरा से अधिक खनन करते हैं, उससे अधिक डीप जाता है, तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होगा। सूचना मिली थी तो हम SDO साहब सुबह छापेमारी किए हैं। ये सूचना थी कि जो श्रीरामपुर गांव है और BT बीघा के पास इलीगल माइनिंग हो रही है, तो उसमें छापेमारी की गई। छापेमारी क्रम में वही 23 ट्रैक्टर और 2 पोकलेन और कुछ ट्रक्स किया गया है, और जो हम लोग GPS लोकेशन भी लिए हैं उसको हम लोग शेयर करेंगे। माइनिंग से माइनिंग आ रहा है, विदेश के आने के बाद भी सम्मत कार्रवाई को लेकर क्या कहना है सर? कितने लोग पर लगभग कार्रवाई होने की? जितना ट्रैक्टर है उसके मालिक और जो ट्रक है उनके मालिक पर कार्रवाई होगी, और ड्राइवर का क्या कॉन्वेंस देखा जाएगा। ये लेकिन ये केस तो माइनिंग ऑफिसर करते हैं।